नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। देवास, इंदौर, उज्जैन, धार को मिलाकर महानगर बनाने से देवास को सबसे ज्यादा लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम देवास में बनने वाले एथलेटिक्स ट्रैक का वर्चुअल भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास में कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में 9,44,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले एथलेटिक्स ट्रैक का वर्चुअल भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, देवास के खिलाड़ी अलग अलग खेलों में उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। देवास के कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम और तुकोजी राव पवार स्टेडियम है, जिसका देवास के खिलाड़ियों को लाभ मिल रहा है। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिले, इसलिए प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि देवास में दो देवियों का वास है। देवास पर माता जी की कृपा है। कुमार गंधर्व ने नक्षत्र की तरह आभा बनाई है और देवास का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि देवास, इंदौर, उज्जैन, धार को मिलाकर महानगर बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे सबसे ज्यादा लाभ देवास को होगा। देवास के विकास के लिए देवास के चारों ओर 4-लाइन सड़कें बनाई जा रही है। आज के इस अवसर पर सिंथेटिक ट्रैक जो बन रहा है, मेरी अपनी ओर से खेल के लिए बड़ी सौगात है। मेरी अपनी ओर से कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में ये सिंथेटिक ट्रैक जो बनने जा रहा है, आज के समय में हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अलग अलग खेलों में जिस प्रकार से उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, ऐसे में भविष्य में ओलंपिक और एशियाड में भी हमारे खिलाड़ी यहाँ से निकल कर वहाँ पार्टिसिपेट करें, ऐसी भविष्य की संभावना भी है और मेरी शुभकामना भी है। मेरी भविष्य की दृष्टि से देवास अपने ढंग से एक अलग प्रकार से जाना जाता है। मुझे मालूम है कि यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम, श्रीमंत तुकोजीराव पवार स्टेडियम, खासकर आज ये पूरा आयोजन ही स्वर्गीय तुकोजीराव पवार के जन्म जयंती के अवसर पर हो रहा है, एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। हम अपने महाराज से मेरा व्यक्तिगत संबंध भी था और हम सब जानते हैं कि यद्यपि वो समय के साथ बहुत अपनी अलग पहचान रखते थे, काल के प्रभाव में परमात्मा की इच्छा पे किसका बस चलता है, लेकिन जब भी रहे, जब तक रहे, खूब दमदारी से रहे। जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन था तब वो हमारे मंत्री, ऐसे कई विभाग, युवा खेल एवं युवा कल्याण का मंत्रालय, कई काम उनने बहुत अपनी कुशलता के साथ संपन्न किए हैं। आज के इस अवसर पर, उनकी जन्म जयंती के अवसर पर, ये बड़ी सौगात जो मिल रही है स्टेडियम की, खासकर एथलेटिक्स ट्रैक की, इसलिए बड़ी सौगात है। हमारे बच्चे जो अभी विक्रम अवार्डी यहाँ है, हम उम्मीद करते हैं कि ओलंपिक अवार्डी भी यहाँ आपके साथ खड़े रहकर इन सौगातों का लाभ लें। हमारी अपनी भविष्य की बहुत बड़ी संभावना है। हमारी सुयोग्य विधायिका श्रीमती गायत्री राजे पवार, जिनके साथ मैं कुछ समय पहले भी आया था, कथा भागवत के समय भी और नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी उस समय कुछ आपने कार्यक्रम जोड़े थे। आप कल्पनाशील भी हैं और अपने कार्य में दक्ष भी हैं, अपनी एक पहचान बनाने में कायम भी है। बदलते दौर में औद्योगिकरण की दिशा में हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। आने वाले समय में देवास, उज्जैन, इंदौर, ये तो और एक अलग प्रकार की स्थिति में जाएंगे। हम और आप सब मिलकर प्रयास करें आने वाले समय में, खास करके अब आपने कोई स्टेडियम बनाने की बात कही है तो यहाँ के कलेक्टर और बाकी लोग होंगे तो CSR फंड के माध्यम से भी हम इस व्यवस्था में आपकी ये सौगात दिला सकते हैं। ये पेविलियन की सौगात भी दिलाना चाहिए, जरूरत पड़ेगी तो मैं उसमें मदद करूँगा। निश्चित रूप से खिलाड़ियों के लिए जो जो चाहिए हम सब देने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर मैं पूरे आयोजन के लिए बधाई देना चाहूँगा सभी मित्रों को। बहुत बहुत धन्यवाद।